जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाले मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से ही एक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते भी व्यक्ति को उचित रोजगार का न मिलना। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या में वृद्धि। देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। उद्योगों के विकास में कमी। देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमी है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं किया जा सकता, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा। लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही सरकार को अधिक रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं मिले हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।